मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। मुमरा बाईपास की एक ऐसी तस्वीर सामने आई है जिसमें आप देख सकते हैं कि एक व्यक्ति स्कूटी चला रहा है और उसके आगे एक छोटा लड़का है और पीछे दो छोटे लड़के बैठे हुए हैं, यानी कि स्कूटी पर कुल मिलाकर चार लोग सवार हैं, मगर इन लड़कों के पीछे जो बैठे हुए हैं इनके बैठने का तरीका बेहद ही खतरनाक है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि स्कूटी पर किसी चीज़ से ये गोनी भरी हुई है और ये गोनी स्कूटी पर रखी हुई है और उसके ऊपर ये छोटा लड़का बैठा हुआ है। अगर बाय चांस ब्रेकर या किसी गड्ढे की वजह से इस गोनी से अगर ये छोटा लड़का रोड पर गिरता और पीछे से आ रही गाड़ियों की चपेट में अगर आ जाता तो आखिर इसका जिम्मेदार कौन होता? चार चार लोग एक स्कूटी पर ऊपर से किसी सामान से भरी हुई गोनी इस स्कूटी पर रखी हुई है और ये मुमरा बाईपास पर ये लोग चल रहे हैं। आपको बता दें कि ये वही मुमरा बाईपास है जहां हादसे लगातार होते रहते हैं और बाइक सवार बड़ी गाड़ियों के चपेट में आने की वजह से इस मुमरा बाईपास पर अपनी जान गंवा देते हैं। और इसी मुमरा बाईपास पर एक शख्स तीन तीन छोटे लड़कों को बिठा कर एक स्कूटी पर चल रहा है और साथ में लड़कों का जो बैठने का तरीका है वो बेहद ही खतरनाक है। आपको बता दें कि चार लोग इस स्कूटी पर चल रहे हैं। जिस स्कूटी पर ये लोग चल रहे हैं उस स्कूटी का नंबर है MH04K5465 है। ये वीडियो दिखाने का मकसद सिर्फ इतना है कि जिस तरह से बाइक सवार चार चार लोगों को लेकर चल रहा है और इस पे छोटे छोटे लड़के भी हैं, अगर यह हादसा होता तो इसका जिम्मेदार कौन होता, और वो भी मुमरा बाईपास जहां लगातार हादसे होते रहते हैं। ऐसे में घर परिवार के लोगों को भी इस पर ध्यान देने की ज़रूरत है कि उनके बच्चे कहाँ जा रहे हैं और कौन से शख्स के साथ जा रहे हैं और कितने लोगों को बिठाकर ये चल रहा है। बहरहाल ये बेहद ही खतरनाक तस्वीरें हैं मुमरा बाईपास की।